पता चला इनके साथ गलत हो रहा है बहन बेटियों के। ये फेडरेशन है, रेसलिंग फेडरेशन जो है इंडिया की, ये इनके साथ गलत कर रही है, तो इनको इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। रेसलिंग फेडरेशन में कौन गलत कर रहा है? रेसलिंग फेडरेशन में लगभग तो सभी हैं, पर ज्यादातर नाम तो सामने ब्रजभूषण शरण सिंह का ही आया। आज सुबह कुश्ती करके आए हो, मतलब प्रैक्टिस करके आए थे? यहाँ पे प्रैक्टिस यहाँ पे ही करी थी हमने। किनके साथ में की थी? हाँ, साथ में की थी। कैसा लगा, मतलब ओलंपिक वाले सब लोग के? अच्छा लगा, थोड़ा एक्सपीरियंस भी। क्या सीखा? अच्छा एक चीज बताओ कि हाँ ये चीज हमने इनसे आज इनसे सीखी। बस थोड़ा एक्सपीरियंस है, डिसिप्लिन, यही चीज सीखी है कि प्रैक्टिस अच्छी तरह से। क्या डिसिप्लिन सीखा ये बता रहे? छोले भटूरे खाए आज तुमने? ये तो थोड़ी बहुत चलती रहती। पढ़ाई का क्या सीन है, मतलब कुश्ती तो देख, कुश्ती तो मुझे दिख रही है। हाँ भाई बढ़िया, एकदम सब चल रही है। पढ़ाई बता, पास होने जैसी चल रही है? अच्छा पास हो जाएंगे, मतलब केवल पढ़ाई पास होने के लिए? बस हो रही है। हम जंतर मंतर पर आए हुए हैं और यहाँ पर चल रहा है पहलवानों का धरना। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके साथ बजरंग पूनिया लगातार धरना दे रहे हैं। अभी 3 महीने पहले भी धरना हुआ था और अभी भी वो लोग अपनी मांगों के साथ धरने पर हैं। अब जब हम आए थे तो आसपास हमने देखा कि कई बच्चे भी मौजूद हैं, तो सोचा उनसे बात कर लेते हैं। ये बच्चे भी हरियाणा से आए हुए हैं, रेसलिंग सीख रहे हैं, कुश्ती, तो एक बार बात कर लेते हैं इनसे कि ये यहाँ पर कैसे, क्या आए हो, कहाँ कुश्ती सीख रहे हैं। अच्छा ये बताओ पहले कहाँ पर कुश्ती सीखते हो? हम सोनीपत जुआ अखाड़ा में कुश्ती सीखते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र है 15 साल। पढ़ाई भी कर रहे हो? हाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर कैसे? हम यहाँ पे बस अपनी बहन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं यहाँ पे प्रदर्शन में। आप बताओ आप कहाँ? वहीं सोनीपत से ही हैं? हाँ वहीं से हैं। क्या उम्र है अभी? मैं 13 साल का हूँ। 13 साल के हो, तुमको पता है क्या हो रहा है? अपनी बहन बेटियों को इंसाफ के लिए आए हैं। कब कब, मतलब आज ही आए हो या डेली आ रहे हो? आज ही आए हैं। अच्छा तो कुश्ती कब से सीखना है, मतलब कब से सीख रहे हो तुम लोग कुश्ती? 4-5 साल से सीख रहे हैं, 4-5 साल। बाकी यहाँ पे जितने भी सब सोनीपत से ही हैं? हाँ सोनीपत का, मतलब साथ के लग रहे हो, मैं लग रहा है सब खेलने मिलने वाले दोस्त ही हैं सारे। हैं एक ही अखाड़े के हैं? एक ही अखाड़े? एक ही अखाड़े। किसके किसके अखाड़े से हो? संजीत अखाड़ा जुआ में। और कहाँ कहाँ खेले हो अभी तक कुश्ती? मैं तो कहीं ना खेला अभी, ये खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। कहाँ खेले हो? स्टेट यूनेशनल। क्या क्या एज है तुम्हारी? मेरी 14 साल। 14 साल है तो यहाँ पे अभी कब, मतलब यहाँ पे अभी कितने, आज ही सुबह आए हो क्या? हाँ। क्यों? हम अपनी बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। अच्छा एक चीज बताओ, तुम जैसे अभी वहाँ पे पूरा खेल रहे हो, कुश्ती कर रहे हो, इसके सिवा अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होगे ना? हाँ। क्या पढ़ रहे हो, किस क्लास में? 10th क्लास में हूँ अब। 10वीं क्लास में हो और पढ़ाई के साथ ही कुश्ती रहती? हाँ। कैसे क्या रहता है जैसे, मतलब मुझे पूरा बताओ कि हाँ मतलब पढ़ाई के साथ ऐसे, मतलब स्कूल की तरफ से कुश्ती कर रहे हो या अपना अलग से सीख रहे हो, घर वालों ने से सीखने भेजा है क्या? हम घर वालों के ने भेजा हमें अखाड़े में सीखने के लिए। पढ़ाई भी सपोर्ट करते हैं, जैसे हम अखाड़े में करते हैं मेहनत तो फिर मेडल निकालेंगे स्कूल वालों के लिए, तो वो भी हमें सपोर्ट करेंगे, कुछ हमारी मदद करेंगे, बस ऐसे ही। ये नेशनल प्लेयर है। करना क्या चाहते हो, मतलब कुश्ती में ही आगे भविष्य ना पूरा? क्या क्या में ही मेडल लाना चाहते हैं हम अपने देश के लिए, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं हम लोग सारे जितने भी हैं, आगे बढ़े हैं बस। अच्छा एक चीज़ तो, एक ही अखाड़े में खेलते हो, मतलब सारे सब एक ही अखाड़े से, और सबकी उम्र भी अलग अलग है, तो साथ में तो नहीं करते हो ना रेसलिंग के? साथ में करते हैं, साथ में भी करते हैं, ये वो है मैं। कितने कितने साल के हैं सब, मतलब एक उम्र बताओ कि 12 से 20 के बीच? 15 से 20 और पढ़ाई, पढ़ाई का क्या सीन है, मतलब कुश्ती तो देख, कुश्ती तो मुझे दिख रही है हाँ भाई बढ़िया एकदम सब चल रही है, पढ़ाई बताओ? हाँ पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है, पास होने जैसी चल रही है, बस पास हो जाएंगे ऐसी चल रही है, पास होने जैसी चल रही है। अच्छा पास हो जाएंगे, मतलब केवल पढ़ाई पास होने के लिए? हाँ बस हो रही है, और बाकी तो फ्यूचर रेसलिंग में ही है हमारे लिए, बाकी तो रेसलिंग में फ्यूचर, बस रेसलिंग में फ्यूचर मानते हैं हम, बाकी तो पास होने के लिए करते हैं पढ़ाई बस, बाकी केवल पास होने के लिए। बाकी तुम्हारा क्या हाल है, पास होने वाली पढ़ाई? ना ज्यादा है, पास होता है। तो पढ़ाई प्लस कुश्ती दोनों एकदम सही से चल रही है? ठीक चल रही है। तो आगे क्या, मतलब पढ़ाई भी करना चाहोगे या फिर कुश्ती में? करना चाहूंगे, कुश्ती भी पढ़ना भी जरूरी है। बाकी के लोग भी हैं कुछ, हैं गाड़ी से पीछे से लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो एक बार इन भैया लोग से बात कर लेते हैं। क्या अरे क्या भाई, जाता एक ही जीव वैसे तो तड़ा है, इससे बोला नहीं। बात नहीं, तुम बताओ चलो, उससे पूछो। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो सीधे एक बात पे आते, एक मिनट में, ये दोनों सीनियर हैं तो ये लेकिन बात नहीं करेंगे, अरे शर्माना क्या है भाई, बात करनी है। देखो अच्छा 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 अच्छा, मैं मेरी बात सुनो, ये बताओ जब प्रोटेस्ट का है, तुम लोग को पता चला कि यहाँ पे इस तरीके से तुम लोग उतारे भाई, मैं अपनी बहनों के लिए प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए, तुमको क्या कैसा पता चला अभी, क्या इसके बारे में जानते हो? इनकी
फोन पर लाइव आई थी देख के, इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ, मतलब तुम्हें क्या मामला पता चला, कैसा क्या? ये पता चला इनके साथ गलत हो रहा है बहन बेटियों के, ये फेडरेशन है रेसलिंग फेडरेशन जो है इंडिया की, ये इनके साथ गलत कर रही है, तो इनको इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, इनके प्रदर्शन में इनके साथ जुड़े इसलिए। किसका, रेशनल फेडरेशन में कौन गलत कर रहा है? रेसलिंग फेडरेशन में लगभग तो सभी हैं, पर ज्यादातर नाम तो सामने ब्रजभूषण शरण सिंह का ही आया है। अच्छा, उन्हीं के नाम का। अच्छा, तुम लोगों को जब यहाँ पे आ रहे थे तो खुद से तो आए नहीं होगे, साथ में कोई आया होगा? नहीं, हमारे कोच साहब आए हैं साथ में। कौन कोच साहब है? कोच साहब संजीत पहलवान। साथ में आए उनके, है ना? कुछ कहना चाह रहे हो क्या? तो अभी तुम लोग अंदर गए थे या फिर यहीं बाहर बैठे? नहीं, हम अंदर अभी अभी आए हैं, अंदर सुबह के अभी लंच करने आए हैं, वहाँ पे ही बैठे थे हम सब। लंच वंच की क्या व्यवस्था है, मतलब खुद, मतलब लेके आए थे या यहाँ पे भी खा लो? अपने घर तले आए थे और बाकी आड़े सारी व्यवस्था। अच्छा, और कभी अभी कितने बजे तक बोल के लाए कोच के, कितने बजे तक यहाँ रहेंगे? बोले थे कि किसी भी टाइम चल सकते हैं आप, मतलब रेडी रहना आप, जैसे इधर उधर मत घूमना ज्यादा। आज सुबह कुश्ती करके आए हो, मतलब प्रैक्टिस करके आए थे? यहाँ पे प्रैक्टिस यहाँ पे ही करी थी हमने। किनके साथ में? हाँ, साथ में की थी। कैसा लगा, मतलब ओलंपिक वाले सब लोग? अच्छा लगा, थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिलता है। और इससे पहले मिले थे? नहीं, मतलब ऐसे तो मिले हैं पर ऐसे नहीं मिले जैसे इनके साथ प्रैक्टिस करी है। कुछ टिप्स मिले तुम्हें? हाँ, बस हमें दाऊद बताए थे और हमारी टेक्निक करवाई थी यहाँ पे, कुश्ती की तैयारी करवाई थी, डिप्स पुशअप। क्या क्या सीखा? अच्छा, एक चीज बताओ कि हाँ ये चीज हमने इनसे आज इनसे सीखी। बस थोड़ा एक्सपीरियंस है, डिसिप्लिन, यही चीज सीखी है कि प्रैक्टिस अच्छी तरह से। मन लगा क्या डिसिप्लिन सीखा ये बता रहे? छोले भटूरे खाए आज तुमने? ये तो थोड़ी बहुत चलती रहती है। तो डिसिप्लिन कहाँ हुआ फिर छोले भटूरे से? ना, छोले भटूरे डिसिप्लिन थोड़े ना वो होता है। अच्छा, तुम क्या बता रहे? हमारे सीनियर दोनों। बात तो कर सकते हैं, बात तो कर सकते हो। हाँ, बात तो। अच्छा, तुमने की प्रैक्टिस? अच्छा, तुम लोगों ने की प्रैक्टिस? कभी थी प्रैक्टिस? कभी थी। किस किस के साथ? बजरंग पुनिया के साथ। क्या क्या टिप्स मिले कुछ? क्या टिप्स? क्या क्या टिप्स मिले? क्यों? अच्छा, ये बताओ, तुम बताओ। अच्छा, क्या टिप्स मिले, क्या आए हो आज के? आज टिप्स मिली कि ये अच्छा करना चाहिए, इंसाफ लेने आए हैं और या प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, मन लगा के कामयाबी का रास्ता मिलेगा। अच्छा, मतलब आज आपने देखा है ये लोग आए हैं, अपना प्रैक्टिस भी किए। तो आज ये लोग आए, उन्होंने प्रैक्टिस भी की अपना बढ़िया, सुबह सारे सब एक ही जगह से आए हुए हैं सोनीपत से, और प्रैक्टिस भी किए हैं खिलाड़ियों के साथ, कई टिप्स भी मिले हैं। उसके बाद अभी ये शाम तक रुकेंगे, फिर शाम में शायद से घर जाएंगे। बाकी आप ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए, आपको और भी यहाँ से वीडियो भेजते रहेंगे। कैमरे के पीछे जैरी, मेरा नाम है उदय, आप देख रहे हैं डी ललन टॉप।